Good morning, students. How are you? Hope you will fine at your home. Welcome back in your English class. Yesterday, you saw a video based on seashell. Did you enjoy? Yeah, I know. You enjoyed very much. Now, we will do our page number 3. In worksheet. Look at scene passage 1. Now I read the poem. Seashell, seashell, sing me a song, oh please, a song of ships and sailor men and parrots and tropical trees. In this poem, the poet says to the seashell that sing me a song. The song was based on ships and sailor men and parrots and tropical trees. Of island lost in the Spanish main, which no man ever may find again. Of fishes and corals under the waves, and seahorses stabled and great green caves. And the poet says to the seashell that you can sing about the island that lost in Spanish Main, where no man can ever find again, and you can sing on fishes and corals that are under the waves, and you can also sing the seahorses that stable in great green caves. Yani सीसेल से पोएट कह रही है कि तुम मुझे एक गीत सुनाओ, और ये गीत सिप्स पर हो सकता है, सेलर मैन पे हो सकता है, पैरट्स और ट्रॉपिकल ट्रीज के बारे में हो सकता है. तुम मुझे उस आइलैंड के बारे में भी गीत सुनाओ जो स्पेनिश मेन में खो गया है, और जहां पर अब कभी कोई आदमी दोबारा नहीं मिल सकता. तो मुझे कोरल्स और फिशेस के बारे में भी गीत सुना सकती हो जो कि लहरों के नीचे पाई जाती हैं, एंड सी हॉर्सेस के बारे में भी जो कि हरे रंग की गुफाओं में रहती हैं. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. राइट द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उसके आंसर्स लिखने हैं. किससे? इस पैसेज के अकॉर्डिंग. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. गिव द नेम्स ऑफ टू सी एनिमल्स. यानी दो सी एनिमल्स के नेम हमें इस पैसेज से देखकर लिखने हैं. आई राइट हियर, फिश एंड कोरल्स आर टू सी एनिमल्स. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड सी हॉर्सेस स्टेबल. सी हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? तो द सी हॉर्सेस स्टेबल्ड इन ग्रेट ग्रीन केव्स. हियर आई चेंज इन वर्ब बिकॉज इन क्वेश्चन द हेल्पिंग वर्ब इज डिड. वेन वी फाइंड डिड इन क्वेश्चन वी राइट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टेबल का पास्ट फॉर्म स्टेबल. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जिसे हम हिंदी में तुक मिलाते शब्द कहते हैं. तुक मिलाते शब्द क्या होते हैं बच्चों? जब कोई चीज बोलने में उसके साउंड्स एक उसकी ध्वनि एक जैसी हो, जैसे ट्री, फ्री, पेन,
गेंद, नॉक, कॉक, इनके साउंड्स कैसे मिल रहे हैं? एक जैसे निकल रहे हैं। तो हमें यहाँ जो दो वर्ड्स दिए गए हैं मेन और वेव्स, इनके राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। किससे बनाने हैं? इस पैराग्राफ से बनाने हैं। जैसे मेन का राइमिंग वर्ड अगेन, वेव्स का राइमिंग वर्ड केव्स। सो वी राइट हियर मेन अगेन वेव्स केव्स। नाउ लुक एट पेज नंबर 5, क्वेश्चन बैंक ऑफ द पोयम सी सेल। लुक एट क्वेश्चन नंबर ए, नेम द फॉलोइंग। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, द एम्प्टी शेल ऑफ अ सी एनिमल। सी एनिमल यानी समुद्री जानवर। एम्प्टी मीन्स खाली और शेल मीन्स कवच, यानी समुद्र में रहने वाले जानवर के खाली कवच को क्या कहते हैं, उसका हमें नेम लिखना है। तो द आंसर इज सी सेल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, मैन हु वर्क ऑन शिप्स। मैन यानी आदमी, एम ए एन मैन मीन्स एक आदमी, और एम ई एन मैन ये उसका प्लूरल है और इसके मीन्स होता है बहुत सारे आदमी। आदमी हु जो वर्क यानी काम करते हैं ऑन शिप्स यानी जहाजों पे जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द आंसर इज सेलर्स यानी उन्हें नाविक बोलते हैं। नंबर 3, ट्रीज डैट ग्रोज इन हॉट एंड वेट प्लेसेस। ट्रीज यानी पेड़, डैट यानी जो कि, ग्रोज उगते हैं इन हॉट यानी गर्म, एंड वेट प्लेसेस यानी नमी वाली जगहों पे। ऐसे पेड़ जो गर्म और नमी वाले प्लेसेस पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द आंसर इज ट्रॉपिकल ट्रीज। नंबर हियर 3 के बाद 5 दिया गया है, यू विल चेंज इट इन 4। सी एनिमल विद अ हेड दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स। सी एनिमल यानी एक समुद्री जानवर विद अ हेड जिसका सर दैट लुक्स लाइक ए हॉर्स कैसे दिखाई देता है? एक हॉर्स के जैसा। यू नो द आंसर? या आई नो यू नो द आंसर। द आंसर इज सी हॉर्स। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी, आंसर इन ब्रीफ यानी संक्षिप्त रूप में इनके आंसर्स देने हैं जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग व्हेन यू गो टू द बीच। व्हाट डू यू एंजॉय, आप क्या एंजॉय करते हो, किस प्रकार का आनंद उठाते हो करने में जब आप बीच में जाते हैं। बीच क्या होता है बेटा? समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अगर आप बीच जाते हो तो आपको क्या करने में वहां मजा आता है। आई थिंक यू विल मेक अ सैंड कैसल एंड यू विल प्ले विद बॉल एंड यू ईट मैनी स्नैक्स, ऐसा करते हो ना आप? यस, तो मैंने आंसर लिखा है इसीलिए, व्हेन आई गो टू द बीच, जब मैं बीच में जाता हूँ, आई एंजॉय टू बिल्ड सैंड कैसल एंड प्ले विद बॉल। तो मुझे सैंड कैसल बनाने में और बॉल से खेलने में आनंद आता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सॉन्ग ऑफ द शिप्स। यानी शिप के बारे में गाने गीत से स्पीकर का क्या मतलब है? स्पीकर कौन? जो पोएट है जिसने ये पोयम लिखी है। कौन सी पोयम? सी सेल। तो उसके उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिप के बारे में गीत से क्या मतलब है पोएट का। तो द आंसर इज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट
द एडवेंचर्स एंड स्टोरीज एक्सपीरियंस्ड व्हेन शिप्स सेल टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी इस क्वेश्चन में, इस पोयम में स्पीकर के इस बारे में कहने का मतलब है कि गीत गाओ किसके बारे में, एडवेंचर्स यानी साहसिक, एंड स्टोरी एक्सपीरियंस क्या कहानी उन नाविक ने एक्सपीरियंस करी, अनुभव करी, व्हेन जब शिप्स सेल टू डिफरेंट प्लेसेस, जब वो जहाज सेल यानी तैरते थे डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगहों में, यानी जब वो जहाज अलग अलग जगहों में जाते थे तो किस तरीके की कहानियाँ और साहसिक कहानियाँ वे अनुभव करते थे उसके बारे में भी मुझे गीत सुनाओ। नाउ पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 5 यू विल डू इन योर वर्कशीट, दिस इज द CW। नाउ लुक एट पेज नंबर 4, लिसन दिस इज योर होमवर्क। अनसीन पैसेज 1। नाउ आई एक्सप्लेन द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। साइनी वॉज टीनी स्टार, साइनी एक छोटी स्टार यानी तारा थी। सी लिव्ड इन द स्काई, वो आसमान में रहती थी। विद हर पेरेंट्स, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। सी वॉन्टेड टू ट्रेवल अराउंड टू सी वॉट देयर वॉज इन अदर प्लेसेस। सी वॉन्टेड टू ट्रेवल, वो यात्रा करना चाहती थी अराउंड टू सी, चारों तरफ देखने के लिए। वॉट देयर वॉज इन अदर प्लेसेस यानी और जगहों पर क्या है, क्या था, वो चाहती थी कि अदर प्लेसेस में क्या है वो ये जानना चाहती थी, तो वो वहां घूमना चाहती थी। हिज हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट सी वॉज टू लिटिल टू गो ऑफ ऑन हर ओन। हर ओन मीन्स अपने आप। उसके माता पिता टोल्ड हर, उसने उनसे कहा कि वो बहुत छोटी है इन सभी जगहों पे जाने के लिए अपने आप, यानी अपने आप अभी जाने के लिए, कहीं भी कहीं जाने के लिए वो अभी बहुत छोटी है। दे प्लान्ड अ पिकनिक फॉर हर, उन्होंने, किन्होंने, उसके साइनी के पेरेंट्स ने एक पिकनिक कर बनाने की योजना बनाई। सी इंजॉयड अ लॉट इन द पिकनिक, उसने इस पिकनिक में बहुत मजा किया। सी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। सी मेड प्रोमिस, उसने प्रोमिस यानी वादा किया किससे, अपने पेरेंट्स से, दैट सी विल नॉट गो अलोन एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं भी, कि अब वो कहीं भी अकेले नहीं जाएगी। ये पैराग्राफ की हिंदी मीनिंग थी। नाउ रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, नाउ आई टेल यू। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज साइनी, साइनी कौन थी, आपको इस पैराग्राफ से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड सी लिव, वो कहाँ रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विद हुम डिड सी लिव, वो किसके साथ रहती थी। नाउ आई नो दैट यू विल नो द आंसर बिकॉज आई एक्सप्लेन दिस पैसेज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ, यानी लीव यानी रहना, वॉन्ट मीन्स चाहना, और इसके पास्ट फॉर्म आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे जब आप उसे रीड करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, किसके किसके अपोजिट्स लिखने हैं आपको। ह्यूज यानी बड़ा, कम मीन्स आना, इनके विलोम यानी आपको इनके विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। किससे लिखने हैं वो भी आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं, किसी और चीज से नहीं। ओके okay?
तो दिस इज योर होमवर्क यू विल डू इन पेज नंबर 4 इन वर्कशीट. टिल देन गुड बाय एवरीवन.